आ गए हैं बोला के न्यू एपिसोड में वापस। तो गाइस जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि जो बोला आधा में आधी वो सॉन्ग ऐसा, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि इसके जो व्यूज़ हैं वो धीरे धीरे आएंगे, ये वेरी सैड सॉन्ग है, इमोशनल सॉन्ग है और बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हमने पहले दिन में देखा 24 घंटे के आप 6 to 7 मिलियन के आसपास व्यूज़ आए थे, बट अभी के टाइम में तब मैंने आप सभी को बताया था 25वें नंबर पर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में चल रहा था तब ये सॉन्ग, तभी बोल रहे थे सब यार हाँ वैसा हो गया, अब ये खत्म हो गया, बोला तो चलने का कोई चांस ही नहीं लग रहा। मैंने तब भी बोला था सैड सॉन्ग है, इसको व्यूज़ आएंगे धीरे धीरे आएंगे, और अभी लगभग मैंने देखा 24 मिलियन के आसपास व्यूज पहुंच चुके हैं और लगभग 16 to 17वें नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी यूट्यूब पे। मतलब देखो धीरे धीरे मतलब कम होती जा रही है इसकी, मतलब जो ट्रेंडिंग रैंक है वो मतलब पास में आती जा रही है। ऑफकोर्स ऐसा आएगा नहीं कि नंबर वन तो आएगा नहीं ये सॉन्ग, हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब कम ही होता है कि मतलब स्टार्टिंग से आगे से पीछे आना काफ़ी कम बार होता है। लेकिन अभी जो मतलब वीडियो के रिलेटेड है वो ये है कि मतलब जो बुक माई शो में उसका क्या सीन चल रहा है। देखो गाइस हमने यस्टरडे को आप सभी को बताया 34,000 के आसपास के ट्रस्ट हो चुके, लेकिन एक ही दिन में 37 हो चुकी है, मतलब 3,000 से ज़्यादा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? तो गाइस क्या हुआ, मतलब यस्टरडे को मैच था इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट वनडे मैच, वहाँ पे अजय देवगन ग्राउंड में पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि मतलब 3,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुके बुक माई शो में एक ही दिन में, एक ही रात में, मैंने यस्टरडे को आप सभी को बताया था। तो देख लो बुक माई शो में बोला का देख लो कितना क्रेज चल रहा है जस्ट अभी के टाइम में। वही रिलायंस एंटरटेनमेंट है, तो मतलब ट्विटर पे मैंने देखा कि उन्होंने तो पूरा एक छोटी सी क्लिप डाली थी, इसमें उन्होंने बोले वाला सॉन्ग पीछे लगाया था, थोड़ा ही घूम रहे थे, मतलब बड़े चल रहे थे। तो लगा सकते हो कि कितना क्रेज है ऑफकोर्स बोला का एंड साथ में अजय देवगन का भी। तो अब गाइस लगा सकते हो 11-12 दिन बचे हैं मूवी को सिनेमाघरों में आने के लिए। बाकी गाइस आपके हिसाब से ये मूवी फर्स्ट डे के लिए कितना एडवांस बुकिंग करेगी? क्या जो दृश्यम 2 लगभग फर्स्ट डे के लिए 5 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग की थी, क्या ये उसको वेट कर पाएगी या फिर 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, जितने भी फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग करेगी, मुझे अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस अभी के लिए इतना ही, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब।